बाकी गीते तो थले ही है गया सी वो जाली काटी है ना जाली काट के खोली है छतरी अच्छा तू सारे चली गए तू बात सुन ले मुंह में ऐसे गन देसी मेरी हड्डी को डिलीट कर दो और वीडियो में चाहिए ਬੁਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋੜ ਫੋੜ ਹੋਈ ਜੇ ਫਿਰ ਮਾਰ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ पठानिया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इस वक्त कश्मीर टूरिज्म में काम कर रहा हूँ। 5-6 दिन से मैं विद फैमिली श्रीनगर में ही था। जैसे ही आज मैं 11:30 के करीब घर पहुँचा तो मेन डोर खोला तो मुझे सामान बिखरा हुआ मिला। सारा कुछ देखने के बाद एक तो सबसे पहले मेरी 12 बोर की डबल बैरल की गन थी वो मिसिंग है। गैस का चूल्हा था ग्लेन का वो मिसिंग है। 12,000 रुपया कैश है और 350-300 ग्राम के करीब सिल्वर के ऑर्नामेंट्स थे वो गायब हैं। बाकी तोड़फोड़ काफ़ी की है उन्होंने। ग्रिल तोड़ी है, अंदर अलमारी वगैरह जितनी भी हैं सारी तोड़ दी है। तो अब आप घर पे कब आए? आपको मैं 11:30 बजे पहुँचा बस उसी वक्त पुलिस को इत्तला। हाँ, पुलिस वालों को उसी वक्त फ़ोन कर दिया था। कितना टाइम हो गया पुलिस को? 11:35 पे फ़ोन कर दिया था उनको तो अभी तक पहुँचे नहीं है। चलो पहुँच गया। टाइम हो गया अभी मेरा भी यही इशू है कि वो आए तो मैं उनको स्टेटमेंट दूँ और कम से कम जो मेरी 12 बोर की मेन जो इशू है वो गन है उसका मसला है। सर सबसे पहले हमने किसको? सबसे पहले तो हमारे वार्ड के जो हैं पार्षद हैं श्री नीतू पठानिया जी, सबसे पहले मैंने इन्हीं को फ़ोन किया क्योंकि निशाना बिछाना हमारे बड़े भाई हैं उनके साथ। तो अब तक चलो मीडिया कर्मियों का बड़ा धन्यवाद है जो पहुँचे हैं यहाँ पे। अब मुझे लगता है पुलिस वाले भी आ गए हैं। ये एग्रीकल्चर में पोस्टेड हैं कृषि विभाग में और इनकी पोस्टिंग इस समय श्रीनगर में। और ये फैमिली छुट्टियों के चलते सारी फैमिली पिछले संडे मंडे को ये लोग कश्मीर में गए हैं। और आज जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि उसमें 5 बजे यहाँ से चले और घर पहुँचे तो जैसे दरवाज़ा खोला तो अंदर सामान था वो सारा बिखरा पड़ा था। सारा जो है उथल पुथल था, अलमारा जो है तो तोड़ा हुआ था इनका। सारी चीज़ें मतलब जगह पे नहीं थी तो सारी हम लोगों ने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया है। तो जहाँ तक इनसे जानकारी हासिल हुई है उसमें सबसे बड़ी बात ये निकल के आई है कि इनकी एक 12 बोर की गन जो अंदर पड़ी हुई थी वो इन्होंने सेफ कस्टडी में रखी थी अंदर, वो भी स्टोर का ताला तोड़ के इनकी गन को जो है वो ले गया। अब लाइसेंस भी वहाँ पड़ा था, हमारा वो भी टूटा है। वो जब पुलिस आएगी, हमने उनको मना किया कि आप किसी भी वस्तु को हाथ ना लगाएं कर सकते क्योंकि पुलिस नहीं अपनी कार्रवाई करती है। और उसके साथ साथ इनके पूजा रूम में इन्होंने कुछ 11,000 की नकदी जो उस मंदिर के किसी काम के लिए रखी थी तो वो ले गए। और बाकी ये बड़ी की फैमिली है उस लिहाज से इन्होंने अपना जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह थे, सोना के आभूषण का कोई नकदी बड़ी वो इन्होंने घर में नहीं रखी। CCTV कैमरा भी आप पुलिस विभाग कहता है कि CCTV इन्होंने CCTV कैमरा भी लगवाया हुआ है लेकिन बदकिस्मती ये रही कि जाने से 2-4 दिन पहले ही वो कैमरा इन्होंने भेजा उसको हाईटेक
करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कोई वाईफाई कनेक्शन लिया हुआ उसके साथ करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से चोरों के हौसले बुलंद हैं इस शहर में, आपने देखा होगा कि मेरे ख्याल से ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो हफ्ते में 3 या 4 चोरियाँ हो जाती हैं और लोगों का भारी नुकसान भी लोगों का हो रहा है। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लेने की ज़रूरत है। अब लोगों से तो अपील की जाती है, परसों चौथी एक मीटिंग थी उसमें कहा गया कि हम लोगों को समझाएं। लोगों को समझाने की बात तो है, लेकिन कई जगह हमने ये भी देखा है कि ये भी जानकारी होते हुए कि जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरे का फुटेज, हमें लोगों से बहुत कंप्लेंट मिलती है कि सीसीटीवी कैमरे का फुटेज भी पुलिस को देने के बाद चोर जो है वो पुलिस के हाथ नहीं चलता है। ये सबसे बढ़िया बात है। और पुलिस अगर उसको आइडेंटिफाइड भी कर लेती है सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, तो जो कार्रवाई जो तत्परता होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं जो मेरे को महसूस होता है पर्सनली कि कहीं ना कहीं उसमें कमी है। तो अगर हम इसी तरीके से इन तमाम चीज़ों को हल्के में लेते रहेंगे तो मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ों पर अंकुश लगाना, लगाम लगाना बहुत मुश्किल है। मैं एक बार फिर कहूँगा कि लोग तो जागरूक हों, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं पुलिस विभाग, पुलिस महकमा, जितने भी खुफिया तंत्र हैं उनको कहीं ना कहीं एक्टिवेट करने की ज़रूरत है।